वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास सिक्स का एक्सरसाइज हमारी 5.1 हो चुकी है। आज जो हम लेंगे 5.2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम। आपको क्या है, जो घड़ी होती है हमारी, दीवार घड़ी जो होती है ना, वॉल जो हमारी घड़ी है, तो उसके अंदर आपको बताना है जो उसका जो रिवोल्यूशन है, जो आर हैंड का मतलब जो घंटे वाली जो सुई है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो रिवोल्यूशन हो रहा है तो आपको बताना है कि वो कितना हो रहा है, उससे क्या एंगल बनना है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कितने कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपको पता है जब आप देखते हैं 1 डिग्री जो जितना कवर करती है वो आर हैंड वाली जो हमारे जो नेडल है या सुई है, तो हम देखेंगे हमारी जो आर वाली जो नेडल है, जो सुई है घंटे वाली, तो उससे कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे 3 to 9, तो उसका जो ये रिवोल्यूशन है क्लॉक वाइज, किसकी बात है, ये क्लॉक वाइज घूमती है इसे इस तरीके से 1 2, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है 2 है, 1 2 3, ये 4 हो गया एंड 5, ठीक है 6 हो गया, 7 और 8 9 10 और ये 11, तो इस तरीके से आपके वो जो है नील जो आर वाली जो हैंड है घड़ी की जो है वो इस तरीके से क्या करती है, रोटेट करती है इस तरीके से। इसे कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जब जो है उसकी नीडल क्या कहती है घूमती है, तो क्या कहते हैं इसे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो अब इसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि यह कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, 3 to 9 मतलब 3 बजे से 9 बजे तक। आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये आर वाली हैंड है, हम सिर्फ घंटे वाली सुई ले रहे हैं, हम छोटी जो सुई होती है, ठीक है, तो यहाँ 3 है, 3 के बाद से वो कितना वो कवर कर रही है, 3 to 9 कर रही है। तो आप देखेंगे यहाँ से होते हुए यहाँ से चल रही है और कहाँ पहुँच रही है, 9 पर, इस तरीके से ये सेंटर होता है, देखेंगे आप यहाँ पहुँच गई है, यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई। तो आप देखेंगे जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बनना, ये स्ट्रेट एंगल बनना है, कितने डिग्री का, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री। तो आपने क्या देखा, ये जो एंगल है 180 डिग्री का जो है फॉर्म हुआ जब 3 to 9 जो है आर वाली हैंड जो है रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक ना, घूम रही है 3 से 9 तक, 3 से 9 तक गई जब ये घूमते हुए, तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हुआ है स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ है, वो कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। और ये आपको पता है जो ये जो पूरी निडल है, ये जो पूरी सुई है आर वाली जो है घंटे वाली जो सुई है, जब पूरी घूमती है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। जब ये सर्किल होता है, सर्किल का जो कंप्लीट, इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, और कंप्लीट एंगल कितने किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री का। तो अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, 3 to 9 का फ्रैक्शन निकालना है। तो हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखेंगे गौर से, 3 to 9 है तो हमारा जो एंगल फॉर्म हुआ है 180 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल है तो कितना है, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे किससे, 360 डिग्री से, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 18 बन जाए 18 18 2 जा 36, जो हमारा फ्रैक्शन आया कितना आया, 1/2 फ्रैक्शन आ गया, ठीक है 1/2। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 1/2, क्योंकि हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, क्या है फ्रैक्शन। अब देखते हैं 4 to 6, आप इसी तरीके से एक क्या है दीवार घड़ी बना लेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या है 12 6 3 और 9, करेंगे 1 2 4 5 7 8
और यहाँ पर 10 और 11, क्लियर। अब देखिए 4 2 6, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 4 पर है, ठीक है, आर वाली हैंड, और फिर किस पे जा रही है, 6 किस पे, 7 पर, ठीक है। आप देखें कितना होता है, ये थोड़ा सा 4 से इधर हो गई है, तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन बनना है क्या है, ये एंगल जो है 4 2 7 जो है, यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री एंगल बनना है, क्योंकि यहाँ जो होता है देखेंगे आप, 12 7 कितना हो गया, 30 डिग्री, और 1 2 कितना हो गया, 30 डिग्री, और क्या है ये कितना हो गया, 30 डिग्री। कहने का मतलब है जो 1 मिनट है, जो ये 6 डिग्री का एंगल को शो करता है, कितने 1 मिनट, जो सुई जब राउंड करती है, घूमती है, जब एक इसके जो आप देखते हैं 5 पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो हर एक मिनट होता है, ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे 5 पार्ट्स है, तो ईच पार्ट जो है जब सुई घूमती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का, कितने डिग्री का, 6, इसमें कितने पार्ट होते हैं, 5, तो 6 5 30। तो जब ये क्या है, जब जो आर वाले हैंड वाली जो जो नेडल है, ये सुई है, जब घूमती है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 5 मिनट में, यहाँ पर 30 डिग्री, फिर यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री, फिर क्या है, 30 डिग्री, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90, ठीक है। तो आप इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है, 30 डिग्री, फिर यहाँ है 30 डिग्री, और यहाँ पर भी 30 डिग्री, तो आप देखें 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये एंगल बनना है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री आप पहचान क्या होगा, इसमें कितने गैप होंगे, 1 2 3, जहाँ भी 3 गैप होंगे ये, तो क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल आया, 90 डिग्री एंगल आया, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बनेगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आप गए 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 9, 9 4 36, तो 1/4 इसका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है 7 to 10, तो अब ऐसी कुछ बना लेंगे, ठीक है, 12 6 3 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11 हमारा कंप्लीट हो गया वॉच। अब इसके अंदर क्या है, 7 to 10 है, तो निरल का हमारी यहाँ पर 7 पे, और कहाँ पहुँच गई, 10 पर, ठीक है। तो आप भी देखेंगे 1 2 3 कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री, तो इसका भी सिंपल क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, मतलब कहने गया 7 बजे से 10 बजे तक के बीच में कितना फ्रैक्शन बनना है, तो हमें कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो एंगल आपको पता चल गया है कि आप 1 2 3, ये आप गैप करेंगे, 1 एक गैप ये हो गया, ठीक है, 1 2 3, जब 3 गैप्स होंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है, 0 0 कैंसिल आउट हो गया हमारा, 9 1 9, 9 4 36, तो फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4। अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट डी, पार्ट डी के अंदर देखेंगे 12 6 9 3 एंड 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये सेंटर इसका। अब 12 to 9 है, 12 to 9 जाएंगे आप ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, 12 to 9 जा रहे हैं, 9 to 12 जाते तो ये हमारा ये एंगल फॉर्म होता, मगर हमें क्या जाना है, 12 to 9 जाना है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, इसकी हेल्प से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल होता है पूरा, ठीक है। तो आप देखें 9 से 12, 1 2 3 कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री,
तो क्या है 90 डिग्री है, तो अब इसे हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है और 360 में से हमने इसे माइनस कर दिया। 0 0 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और यहाँ 270। तो ये एंगल जो है हमारा कितना डिग्री का बनना है, 12 बजे से 9 बजे तक के बीच में जो एंगल बनना है हमारा कितना बनना है, 270 डिग्री का एंगल बनना है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा 270 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, फिर क्या है आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 4 36, 9 3 27, तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया 3/4, फ्रैक्शन कितना है हमारा 3/4। इस क्वेश्चन के पार्ट ई एंड एफ आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है, होमवर्क में। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, क्या है जो क्लॉक की हैंड है कहाँ स्टॉप होगी। जैसे कि फर्स्ट ए देखेंगे, स्टार्ट्स एट 12 एंड मैक्स 1/2 ऑफ आर रिवोल्यूशन, क्या है जो निडिल है, जो सुई है, जो हैंड है उसका घड़ी का, वो 12 बजे से शुरू होता है और वो जो है कवर करता है, जो रिवोल्यूशन उसका होता है 1/2 होता है, मतलब आधा, पूरी घड़ी का आधा होता है। तो वो क्लॉक जो है अब कहाँ पर रुकेगी, तो सपोज करो वो कहाँ पर है, वॉच, ठीक है, 12 6 3 एंड 9, ठीक है, अब यहां पर है, इस वक्त जो है यहां है और आपको जो है ये 1/2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, मतलब पूरी घड़ी का जो है आधा चक्कर लगा रही है, लगाया है इसने, कंप्लीट करा है आधा। तो आपको क्या है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कर रहा था, 360 से डिवाइड कर रहा था, अब हम क्या करें 1/2 में क्या करें, फ्रैक्शन निकालने के लिए जो एंगल था हमारा उस एंगल को हमने 360 से डिवाइड करा था, अब यहाँ पर जो जो फ्रैक्शन दिया गया 1/2, इसमें 360 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 2 1 2 2 1 2 2 8 16, क्योंकि 2 1 2 था, कैरी 1 चला गया, 16 हो गया, 2 8 16, रिमेनिंग बच्चा 0, तो कितना डिग्री का एंगल हो रहा है फॉर्म, 180 डिग्री का। तो आप देखेंगे ये रिवॉल्व करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, जब ये हैंड है यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री, जैसे कि 1 2 4 5 7 8 10 और 11, तो मैंने बताया था 1 2 3 यहाँ पर आ गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाता, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल हो गया। अब यह 1 2 3 यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, तो यहाँ पर जो है ये जो है कहाँ पर स्टॉप होगी, 6 पर, मतलब 12 बजे से स्टार्ट होगी और 6 पर जाके स्टॉप हो जाएगी, तो 8 6 क्या होगा इसका आंसर, 8 6 कितने बजे पर, 6 बजे पर स्टॉप होगी, कितने बजे स्टॉप होगी, 6 o'clock, ठीक है। तो इसने क्योंकि कितने डिग्री का एंगल कवर किया है, 90 प्लस 90 180। फिर एक बार मैं रिमाइंड आपको करा देता हूं कि जो 1 यहां पर आप देखेंगे 12 और 1 1 एंड 2 और 2 जो पार्ट्स होते हैं, जो गैप होते हैं हर नंबर के बीच में, तो इसमें स्मॉल पार्ट कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 मिनट होते हैं, ठीक है, तो इसके गैप में 5 मिनट, और 1 मिनट जो है 6 डिग्री को क्या कहता है, शो करता है, तो 5 पार्ट्स हैं, तो कितना हो 5 6 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया 90, ठीक है। तो अब सिंपली अब हमें पता चल गया कि अगर हम कितने गैप कवर करें, 1 2 3, तो 90 डिग्री एंगल बनता है, जो 90 तो यहाँ तक हो गया, फिर 1 2 3 गैप यहाँ पर होगा, तो 90 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, क्योंकि हमें एंगल चाहिए था 180 डिग्री का, तो ये कौन सा एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया, स्टैंड एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमें देखना है 180 कहाँ पर है, 6 पर कम्प्लीट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो कितना हो गया हमारा, जो 12 बजे से चली थी और 1/2 जो उसने कंप्लीट कराया कितने पर, 6 बजे, तो क्या हो गया जो निडिल स्टॉप होगी, जो हैंड है आर हैंड जो है वो कहाँ पर स्टॉप होगा हमारा, 6 पर स्टॉप होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट एट 2 क्या है, 12 6 3 9 1 2 4 5
7, 8, 10, 11, ठीक है, इसका सेंटर हो गया। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से। कहाँ से स्टार्ट है? 2 से। अब इसने क्या है, वन हाफ कंप्लीट कर रहा है ये, फिर वही करेंगे हम। वन हाफ कंप्लीट है तो वन वन बाई टू की हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। सिंपली 2 1 2, 2 1 2, कैरी 1, 2 8 16, रिमेनिंग बचा 0, तो 180 डिग्री आ गया आपका। कितना आ गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पर वही होगा 1 2 3, यहाँ तक हो गया 90, ठीक है। फिर है 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो गया? 90। तो हमारा जो कहाँ पर आ रहा है? ये 8 पर स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर 90 90 प्लस 90 180। तो ये जो है 180 डिग्री का एंगल हमारा बन गया स्ट्रेट एंगल। तो कहाँ पर स्टॉप हो रहा है? 8 8, 2 से स्टार्ट हुआ और उसने आधा रिवोल्यूशन, मतलब आधा चक्कर लगाया, पूरी घड़ी का आधा चक्कर कंप्लीट किया उसने। हाफ जो उसकी निडिल है, हाफ जो है राउंड उसने कवर किया है। तो इसका मतलब कितने बजे रुकेगी वो? 8 बजे रुकेगी। हाफ चक्कर जो है पूरी घड़ी का, जो है आधा चक्कर जो कंप्लीट करेगी वो 8 बजे करेगी। स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो क्या हो गया इसका? ठीक है, अब पार्ट सी देखेंगे इसका। बारह छ 3 9, ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। यहाँ पर ये सेंटर इसका कहाँ से स्टार्ट है? 5 से, ठीक है। अब जो है कहाँ पर 1/4 ले रही है, तो ये 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो हो गया 4 1 4, 4 9 36, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल आ गया? 90 डिग्री। तो क्लियर है, कितने गैप लेंगे हम? 1 2 3, तो कहाँ पर आ जाएगी? 8 पर आ जाएगी निडिल, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि 3 गैप पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमने बताया था अभी। तो क्या हो जाएगा? 8 8, कहाँ पर स्टॉप होगी हमारी? वो जो 5 से चलेगी और 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर? 8 पर कंप्लीट हो रहा है। तो हमारी जो निडिल है 5 बजे से चलेगी और 8 8 बजे जो है वो रुक जाएगी, रुकेगी। तो क्यों पूछा गया? 1/4 रेवोल्यूशन ले रहे हैं, 1/4 मतलब जो पूरी वॉच है उसका 1/4 जो है रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करती है। 5 बजे चलती है तो 1/4 कहाँ पर उसका, 1/4 जो है कहाँ पर कंप्लीट होता है? इसमें पूछा गया है जो फ्रैक्शन है 1/4 ये कहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसका जब 5 से चलेगी तो 8 पर इसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पार्ट डी देखते हैं अब। तो पार्ट डी देखेंगे हम, स्टार्ट एट 5 एंड मैक्स 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज। तो इसका स्टार्ट 5 से होगी और इसका 3/4 जो रेवोल्यूशन है कहां पर कंप्लीट हो रहा है, कितना होगा? तो देखेंगे यहां पर 12 6 3 और 9 1 2 4 5 7 8 10 11, सेंटर कहाँ से स्टार्ट है? 5 से। अब ये फ्रैक्शन दिया गया है 3/4, मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, ठीक है, 4 1 4, 4 9 36, और ये क्या रिमेनिंग बचा? 0, 3 3 3 9 27 और 0 आ जाएगा। तो कितने डिग्री का एंगल बनना है? 270 डिग्री का एंगल बनना है, 270 डिग्री का एंगल। तो आप देखेंगे अब कैसे निकालेंगे 270 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 270, तो हमारा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो अब हम इसकी मदद से पहले हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर ये 90 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, पावर कंप्लीट होगा। हम बेक लेंगे इस तरीके से, सॉरी हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं है। अभी देखते हैं, हम दोबारा बताएंगे आपको। देखेंगे हमें रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है 270, तो आपको पता है कितने 90 होंगे इसके अंदर? तो 270 के अंदर 390 होंगे, कितने 90 होंगे? 3,
जीरो से नाइन थ्री जो 27, तो 90 90 के एंगल कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 यहाँ पर 90 हो गया, ठीक है। फिर क्या है 1 2 3, तो यहाँ तक 90 हो गया एक, फिर 1 2 3 2 तक 90 हो गया, ठीक है। 90 प्लस 90 180 180 प्लस 90 कितना हो गया 270। तो कहाँ पर स्टॉप हो रही हमारी, 2 पर। तो ये एंगल जो बनना है कितने डिग्री का बनना है, ये वाला 270 डिग्री का। तो हमारी कहाँ पर नीडल स्टॉप हो रही है, 2 बजे, 8 2 हो गया। तो हमें क्या करना था, क्या 90 डिग्री का एंगल निकालना था, वो 270 डिग्री का एंगल निकालना था। तो हमने 90, कितने 90 हैं इसके अंदर, हम उसकी मदद से हम जो है 270 का निकाल सकते हैं। तो 270 में कितने 90 थे, 390 थे। तो हमने क्या करा, आपको पता है कि 1 2 3 हर 3 गैप पर 90 डिग्री एंगल कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर 90, यहाँ तक 90 हो गया, फिर अगला 90 यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 90 जो था 1 2 3 कहाँ पर होता, 2 पर हो रहा था, कहाँ पर होता, 2 पर, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, 5 से। तो ये पूरा जो एंगल कंप्लीट हो रहा है कितना है, 270 डिग्री। और कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, 5 बजे से चलकर 2 बजे पर, ठीक है, ये 2 है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, ठीक है। आपको क्या है इसके अंदर डायरेक्शन बतानी है कि आपका जो फेस जिस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब वो आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उस जो जिस डायरेक्शन में फेस है, अब जो इन्होंने पूछा गया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो है फेस किस किधर होगा। देखें सबसे पहले हम आपको एक बेसिक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे कि आप ये बना लीजिए, ठीक है। बेसिक डायरेक्शन का एक फॉर्मेट है, ये क्या है नॉर्थ, इसके अपोजिट में क्या होता है साउथ, इसके राइट में क्या होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है वेस्ट। सबसे पहले ये डायरेक्शन आपको समझनी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे ये जो होता है रेवोल्यूशन, एक ही रेवोल्यूशन जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इधर, देखेंगे ये भी 90 डिग्री है, इधर देखेंगे ये साउथ से वेस्ट, ये भी 90 डिग्री है, और ये जो है ये भी क्या है 90 डिग्री, और ये कंप्लीट जो होता है कितना हो जाता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ देखेंगे ये जो है, और ये पूछ रहा है ईस्ट एंड मेक, जो आपका फेस है ईस्ट की तरफ है, एंड मेक 1/2 ऑफ आर रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आप जो क्लॉकवाइज ये जो है आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब आधा रिवोल्यूशन, मतलब आधा चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे सपोज करें, ठीक है, यहाँ पर क्या है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इन्होंने क्या है ईस्ट की तरफ है। सपोज करिए आपका जो फेस है किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है, और आप आधा चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, 1/2। तो आप देखते हैं 1/2 आप कितना एंगल कवर कर रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, तो पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है यहाँ पर बनेगा कितना है 360 डिग्री, ठीक है। इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2 2 9 36, रिमेनिंग बचा कितना आ गया, सॉरी 2 1 2, रिमेनिंग बचा 1 2 8 16, 2 8 16 रिमेनिंग बचा 0, तो कितना एंगल आ गया आपका 180। दोबारा देखते हैं 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2, रिमेनिंग बचा 1 6 के पास चला गया, 16 हो गया, 2 8 16, और क्या है रिमेनिंग बचा 0, 180। तो 180 जो है वो एंगल कवर कर रहा है 1/2 रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर कर रहा है 180। तो आप देखेंगे आपका ईस्ट की तरफ फेस है, तो ये जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में क्लॉक करती है चलती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। अगर हम इस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में गए तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ ईस्ट की तरफ आपका फेस है, तो आप देखेंगे पहले इधर चलेंगे तो कितना कवर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर आप साउथ से वेस्ट की तरफ चले तो कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आधा चक्कर यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है, ये क्लॉक वाली डायरेक्शन में। तो आपने देखा ये जो है 180 डिग्री का एंगल यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आप जो ईस्ट की तरफ चले थे, खड़े थे फेस करके, अब किधर किस साइड में पहुँच गए, वेस्ट की साइड में। तो ये आपका जो चेहरा है अब इस टाइम, जो आपका फेस है किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या है इसका,
वेस्ट, एट वेस्ट, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में आप पहुंच गए, वेस्ट डायरेक्शन में, हमने क्लॉकवाइज, शर्त ये क्या है, क्लॉकवाइज आपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए और आधा चक्कर पूरा किया है, आपने हाफ रिवोल्यूशन लिया है, तो हाफ रिवोल्यूशन में कितने एंगल बनना था, 180 डिग्री, तो 9, क्योंकि एक राउंड में कितना है कवर करता है ये, 90 प्लस 90, तो कितना हो गया 180, ये पूरा क्या है स्ट्रेट एंगल बन गया है, ठीक। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट भी देखेंगे, ईस्ट एंड मेक वन एंड हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज, इसने क्या है आपका जो फेस है किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस चीज का ध्यान रखना, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है और नॉर्थ के राइट में क्या होता है ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है वेस्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक कंप्लीट चक्कर है और एक आधा चक्कर है, एक क्या है, एक तो उसका कंप्लीट चक्कर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है हाफ राउंड है, ठीक है, हाफ रिवोल्यूशन है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है और दूसरा क्या है हाफ रिवोल्यूशन है, ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन और एक हाफ रिवोल्यूशन, तो कितना वो बनना है आप देखेंगे इसके अंदर, बहुत सिंपल सा है, आप कंप्लीट है आपका फेस जो है किधर की साइड में, ईस्ट की तरफ है, तो कंप्लीट यहां से स्टार्ट होगा, कंप्लीट क्या है 360 डिग्री, मतलब जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे तो उसी पॉइंट पर वापसी आ जाएंगे, तो क्या होगा कंप्लीट होगा, तो आपने ईस्ट से शुरू किया तो यहां से चले, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इसने लिखा है क्लॉकवाइज, यहां पहुंचे फिर यहां से इधर कंप्लीट, फिर इधर यहां पर जो है हमारा कंप्लीट, तो हम दोबारा जो है ईस्ट पर ही आ गए, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन था, ठीक, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन था, अब यहां पर कहां गए हम, ईस्ट से चले थे और ईस्ट पर आ गए, तो ये तो हो गया हमारा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, हो गया रेवोल्यूशन लेंगे, हाफ रेवोल्यूशन में देखेंगे आप क्या होगा, ईस्ट से हम स्टार्ट होंगे, ठीक है, फिर क्या है यहां पर हाफ रेवोल्यूशन हमारा यहां कंप्लीट हो रहा है, और हाफ ये आप एंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं, 1/2 360 का आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 90 और फिर ये वाला 90, तो कितना हो गया 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो ईस्ट से आप किधर पहुंच गए, वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा वेस्ट होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा वेस्ट। अब बात समझ में आ गई, इसने कहा एक एक फुल रेवोल्यूशन है और एक जो है हाफ रेवोल्यूशन है, तो फुल रेवोल्यूशन में तो ईस्ट, क्योंकि चेहरा किस साइड में था, फेस किस साइड में था, ईस्ट के, तो ईस्ट से शुरू हुआ और ईस्ट पर ही पहुंच गया, तो ये हो गया कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई। फिर इसने कहा हाफ रेवोल्यूशन उसने और लिया, मतलब क्या आधा चक्कर और लगाया, तो आधे चक्कर में कितना एंगल बना उसने, 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री क्या है, एक आप इस तरीके से राउंड लेते हैं तो कितना होता है 90, और फिर इधर जाएंगे तो 90, क्योंकि इसमें फोर पार्ट्स होते हैं, ईच पार्ट जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल का ईच पार्ट जो है फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर पार्ट्स जो है इक्वल होते हैं 90 90 के, ठीक है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया 360 डिग्री। अब क्योंकि हाफ है और हाफ में कितना बनना है, हमने 360 का हाफ करा तो कितना हो गया 180, ठीक है, 360 का हाफ कितना होता है 180 होता है, तो आपने 90 फिर प्लस 90 कितना हो गया 180, तो ये डायरेक्शन जो हुई ईस्ट से किधर हो गया, ये वेस्ट डायरेक्शन में हो गया, तो इसका आंसर क्या है वेस्ट है। सी देखेंगे, सी पार्ट जो हमारा, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉक वाइज। अब यहां पर जो है इसने कहा है, सबसे पहले ये समझना है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये हमारा क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं घड़ी के जो डायरेक्शन है, यह 12 6 3 और 9 1 2, तो घड़ी जो है 12 के बाद एक ही बजाती है, ना कि जो है 11 बजाती है, ठीक है, तो 12 के बाद एक बजाएगी, तो ये हो गई, ये डायरेक्शन जो होती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, और ये जो है उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होती है इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब 3/4 जो है रेवोल्यूशन ले रहा है ना, 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो 3/4 आप निकाल सकते हैं, आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 का, 4 बन जाए 4,
फोर नाइन या 36 रिमेनिंग बचे 0, 3 की 90 में करेंगे 270 एंगल आ गया। तो क्या है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्या है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो कहां पर है इसका फेस जो है वेस्ट की तरफ है, तो आपको पता है अब यहां से स्टार्ट होगा तो कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल कवर करना, फिर वेस्ट से साउथ क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज चलना है। तो वेस्ट से हम स्टार्ट हो रहे हैं, किधर से वेस्ट से, तो वेस्ट से हम चले इस साइड में तो कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। अब साउथ से हम किस ईस्ट की तरफ चलेंगे, इसने फिर 90 डिग्री कवर कर लिया। ईस्ट से जो है हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो फिर इसने 90 डिग्री एंगल कवर कर लिया। तो 90 प्लस 90 180 180 प्लस 90 कितना हो गया 270। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बन गया 270। तो उसने जो है 3/4 जो रिवोल्यूशन कंप्लीट करा है, वेस्ट से स्टार्ट हुआ है और नॉर्थ पे स्टॉप हो गया। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। क्या आएगा? नॉर्थ, क्योंकि इसने कंडीशन क्या थी एंटी क्लॉकवाइज, हमें चलना कैसे है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलना है। तो हमारा जो एरो का निशान होगा ये होगा, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया। और आप इसे सिंपल ये भी कह सकते हैं फोर पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स में इसने थ्री पार्ट्स जो है कवर कर रखे हैं, तो आपने थ्री पार्ट्स कवर कर दिए, एक को छोड़ दिया, तो 270 डिग्री एंगल जो है कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ईच पार्ट जो है अगर हम डायरेक्शन को शो करते हैं तो ईच पार्ट जो है 90 डिग्री को शो करता है। फिर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये 90, ये भी 90 होता है, फिर ये 90 और ये 90, तो आप देखेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। इसे ये कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। तो आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन वाले में अक्सर गलती हो जाती है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का बहुत ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज उसे कहते हैं जिस डायरेक्शन में जो है हमारी घड़ी की जो है हैंड जो है मूव करती हैं, चलती हैं, वही डायरेक्शन क्या कहलाती है क्लॉकवाइज। मतलब आप देखेंगे तो किस साइड में चल रही है, आपके राइट हैंड की तरफ, आप घड़ी के सामने खड़े हो जाए तो सुई जो है उसकी जो चलेगी किस साइड में डायरेक्शन चलती है, आपके राइट हैंड की तरफ चलती है, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और जो उसके आपके लेफ्ट हैंड की तरफ अगर हम कहें तो उसे क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट डी देखते हैं, पार्ट डी देखिए आप, पार्ट डी क्या है हमारा, साउथ एंड मेक वन फुल रिवोल्यूशन। सिंपल, बहुत ही सिंपल है इसका, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब फुल रिवोल्यूशन है, कोई चीज है जिस पॉइंट से चली और वो इसी तरीके से आ गई पूरी, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, ये हम इस टाइम किस तरीके से घूमे थे हम एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉइंट है और हम ये क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये क्या है, ये क्या है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए तो उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। फुल रिवोल्यूशन के अंदर मतलब पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर क्या है 360 डिग्री का एंगल बनता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप क्लॉकवाइज जाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर आप वापसी लौट आएंगे। तो क्या है ये, हम इसे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, जिस पॉइंट पर आए चले थे उसी पॉइंट पर वापसी आ गए, तो वो क्या है कंप्लीट रिवोल्यूशन या फुल रिवोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो अब यहां देखिए साउथ पर आपका फेस था, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाए चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, ठीक है, तो आप चाहे क्लॉकवाइज आ जाए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब फुल रिवोल्यूशन होगा क्या होगा, फुल रिवोल्यूशन होगा तो आप जो है कंप्लीट एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री का एंगल आप फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो आप चाहे इसे इस डायरेक्शन में आ जाइए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाइए, क्योंकि साउथ पर खड़े थे आप जो है घूमकर पूरा एक रिवोल्यूशन लेकर साउथ ही पर आ जाएंगे, तो आपका जो फेस है साउथ पर ही रहेगा जब आप फुल रिवोल्यूशन लेंगे, मतलब पूरा एक चक्कर लगाएंगे जिस पॉइंट से चले से उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, तो आपका जो चेहरा होगा किस साइड में होगा, साउथ में ही होगा, ठीक है, इस साइड में होगा साउथ में ही, क्योंकि जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर आ जाएंगे एक फुल रिवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर फुल रिवोल्यूशन में क्या होता है 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पर वापसी आ जाएंगे, तो हमारा फेस साउथ की तरफ था तो साउथ ही तरफ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंडिंग फेसिंग,
क्या आपका जो रिवॉल्यूशन जो है वो क्या होगा वो बताना है जब आप घूमेंगे, जिधर आपका चेहरा है उससे अगर जब घूमते हैं तो आपका वो क्या रिवॉल्यूशन होगा, मतलब कितना रिवॉल्यूशन होगा, मतलब उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। आप जो है ईस्ट की तरफ चेहरा करके खड़े हुए हैं, फेस करके खड़े हुए हैं, और फिर जो है आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और नॉर्थ की तरफ पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब क्योंकि इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस चीज़ का ध्यान रखना, आप किधर खड़े हैं, इधर ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं आप, जो आप हैं किसकी तरफ हैं, ईस्ट की तरफ। अब जो है आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमते हैं, ठीक है, और कहाँ पहुँच जाते हैं, नॉर्थ की तरफ। अब आपने देखा, आपको पता हर एक पार्ट जो है इसका क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपने देखा 90, फिर क्या है, ये भी 90 है और आपका ये क्या है, ये 90 है। तो आपको कितने डिग्री का एंगल बना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आप घूमें, आप पहले आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े थे, ठीक है, अब जो है आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ते हुए नॉर्थ की तरफ आपका चेहरा हो गया है, तो आपने कितने डिग्री का एंगल राउंड किया है, 270, कितना 270। तो अब इसका फ्रैक्शन देखेंगे आप, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री का होता है, तो आप क्या करें, 270 को डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, तो आप देंगे 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 9 फोर जा 36, 9 थ्री जा 27, तो आपका जो देखेंगे जो फ्रैक्शन आएगा 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। और आप देख भी रखें कितने कितने पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, इसने कितने पार्ट कवर किए, 3, तो 3/4, मतलब चार पार्ट में से तीन पार्ट इसने कवर किए, तो कितना हो गया, 3/4, 3 पार्ट जो है राउंड किया है, एक पार्ट इसने छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे बी, साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस। अब आपका जो चेहरा जो है किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आपका चेहरा जो है किस साइड में है, साउथ डायरेक्शन में, किस में, साउथ डायरेक्शन। तो देखेंगे आप साउथ डायरेक्शन में आप खड़े थे, ठीक है, और कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कर रहे हैं और ईस्ट तक पहुंच गए आप, कितने, ईस्ट तक। तो आप यहां से चलेंगे, ठीक है, वेस्ट पहुंचेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फिर नॉर्थ, फिर आप ईस्ट। तो आपने देखा ये कवर किया आपने ये पार्ट, आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है साउथ टू वेस्ट, फिर वेस्ट टू नॉर्थ, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट जो है ये 90 डिग्री का है। तो कितना आपने कवर किया, एंगल कितना कवर किया, 270, और कितने पार्ट, 3 पार्ट, ईच पार्ट जो 90 डिग्री एंगल को शो करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 270 डिवाइडेड बाई 360, 0 से 0 कैंसिल आउट होता है, 9/4 = 36, 9/3 = 27, तो आपका फ्रैक्शन का आया 3/4, कितना फ्रैक्शन आया आपका, 3/4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सी, अब देखेंगे आप सी पार्ट, वेस्ट। आपका जो फेस है किस साइड में है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब आप जो वही बेसिक जो है आपका वो बनाएंगे आप, ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, क्या है ये, वेस्ट। अब देखेंगे ये जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आपका फेस किस साइड में, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब वेस्ट से आपको जाना है ईस्ट में, तो यहाँ से क्योंकि क्लॉकवाइज है तो इधर आ जाएंगे नॉर्थ, फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आएंगे, तो आपका फेस अब किधर आ गया, ईस्ट में आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बनना है, क्योंकि टू पार्ट्स इसने कवर किए, ये पार्ट जो होता है 90 डिग्री और ये भी पार्ट जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट एंगल बनना है, तो कितने डिग्री का, 180। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 180 को हम डिवाइड कर देंगे 360 से, 0 से 0 कैंसिल, फिर क्या है, सिंपल 18 2 = 36 और 18 1 = 18, 1/2 फ्रैक्शन आया 1/2। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, आपको अच्छे से करना है, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आप इसे खुद करेंगे एक्सरसाइज के इसके, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चन को आप अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे,
बहुत जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ना बहुत ध्यान से करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्यों अगर क्लॉक और एंटी क्लॉक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूछा गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको मूव करना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछा गया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है, अगर आपने क्लॉकवाइज दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, क्लॉकवाइज मतलब राइट की तरफ आप मूव करेंगे राइट से, मतलब जैसे आप 12 के बाद क्या बचता है, एक बचता है, कभी 11 तो नहीं बचते तो एक की तरफ को चलते हैं, तो ये जो आपका राइट हैंड की तरफ से आप मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर लेफ्ट हैंड की साइड मूव करेंगे तो क्या होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन बहुत ध्यान रखेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी 5.2 कंप्लीट होती है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से करेंगे होमवर्क में और अच्छे से वीडियो देखेंगे और ये जो है अपने जो क्वेश्चन आपको कराए ना अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक में अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।